हेलो गाइस, वेलकम टू अवर क्विज नंबर थर्ड। इससे पहले 2 क्विज मैंने आपके सामने लिए थे। हर क्विज में 10 क्वेश्चंस आपसे लेकर आती हूँ, 10 सेंटेंसेस है, उसमें आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं, अब आप देख सकते हैं। और गाइस, अगर आपको इनके ऑप्शंस मालूम है कि विच वन इज करेक्ट, कि कौन सा सही है, वीडियो को पॉज करके अब उस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और बाद में जब वीडियो को स्टार्ट करके आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर आए ताजमहल लास्ट वीकेंड, हैव विजिटेड, विजिटेड या हैड विजिटेड, क्या आएगा यहाँ पर? She is too happy या very happy, क्योंकि दोनों का मतलब तो बहुत होता है ना, क्या आएगा यहाँ पर? Bread and butter is बोलेंगे कि are बोलेंगे या has बोलेंगे? Bread and butter तो are ही होता है ना, दो हैं चीजें, जैसे राम एंड श्याम are होता है, करेक्ट ना? She died off of from, oh my god, ये तो बहुत confusing वाला है ना। Off means भी से, she died of cancer, कौन सा off आएगा? चलो from को हटा देते हैं, लेकिन off कौन सा आएगा यहाँ पर? The cat was killing by the lion या was killed by the lion या killed, नहीं समझ में आ रहा। The chain is made from, for और of gold, क्या होगा इसमें, क्या इसका आंसर होगा? She is sitting here for 2 hours या she was sitting here या she has been sitting? Shahjahan has made या had made Taj Mahal, which one is correct? I don't know. I have bought a lot of furnitures, lot of है तो furnitures ही बोलेंगे ना। You are going to the school, यही होगा ना। तो guys, यहाँ पर ये कुछ ऐसे sentences हैं जिसमें हमें समझ में नहीं आता है कि बोलना क्या होगा, किस option को कहाँ पर हमें फिट करना होगा। ठीक है, स्पोकन में थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन अगर आप ग्रामर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसा क्यों है ये भी मालूम होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप ऑफ लगा रहे हैं तो ऑफ क्यों लगाना है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको करेक्ट ऑप्शन देने वाली हूँ, विथ इसके उसके साथ मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होने वाला है। इससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंसेस अगर आपके सामने आते हैं तो आप उनके तुरंत करेक्ट आंसर दे सकते हैं। सो गाइज, लेट्स बिगिन। देखिए, आए ताजमहल लास्ट वीकेंड, मैं लास्ट वीकेंड ताजमहल को गई। अभी देखिए, जनरली आप लोग हैव विजिटेड का यूज कर देंगे क्योंकि इसका मतलब भी विजिटेड करना है। यहाँ पर होगा विजिटेड। मैम, ऐसा क्यों होगा? हैड विजिटेड भी हो सकता था ना, पास्ट की अब बात करना है। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगी कि लास्ट वीकेंड में ताजमहल को गई, जब आप जनरली किसी बात को बोलते हैं, एक्शन पे ज्यादा फोर्स नहीं दिया जाता है, तब आप वहां पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे फोर्स नहीं है। आई विजिटेड लास्ट वीकेंड, आई विजिटेड ताजमहल लास्ट वीकेंड, मैंने लास्ट वीकेंड ताजमहल को विजिट किया। अगर मैं ऐसा बोलते, मैंने लास्ट वीकेंड ताजमहल को विजिट किया था, तब आप हैड विजिटेड का यूज करते, लेकिन जनरल बातें तो यू कैन से विजिटेड। शी इज हैप्पी, शी इज टू हैप्पी, शी इज वेरी हैप्पी, हमें कुछ नहीं करना है। तो यहां पर टू का यूज ना करके आपको वेरी का यूज करना होगा। बट व्हाई मैम, टू भी करेक्ट है। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगी, वेरी का यूज आप पॉजिटिव वे के लिए करते हैं और टू का यूज आप निगेटिव वे के लिए करते हैं। अभी हैप्पी होना तो किसी भी बंदे के लिए पॉजिटिविटी की बात होगी, तो इसलिए आप यहाँ पर वेरी का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर होता शी इज सैड, तो आप कोर्स बोल सकते थे शी इज सो सैड, शी इज टू सैड, क्योंकि दुखी होना अपने आप में एक नेगेटिविटी को शो करता है। नाउ वी कम ऑन द थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस है ब्रेड एंड बटर गुड कॉम्बिनेशन, इज गुड कॉम्बिनेशन या आर गुड कॉम्बिनेशन? हैज तो नहीं आएगा, ये समझ में आ गया है। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये बोलेंगे ब्रेड एंड बटर आर गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज आप बोलेंगे मैम आपने पहले बोला था राम एंड श्याम आर गोइंग टू द मार्केट, करेक्ट ना, या आर गोइंग टू मार्केट। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगी यहां पर इज आएगा। अगर आप में से किसी को मालूम है ना, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं क्यों आएगा। इसके पीछे का रीजन केवल एक ही है, अगर सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट है ना ब्रेड एंड बटर, एक ही चीज को इंडिकेट करता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ही बात को शो करता है। ब्रेड के बिना बटर अधूरा है और बटर के बिना ब्रेड अधूरा है। अगर दोनों मिलकर के एक ही चीज को हमें प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पर हम उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे राइस एंड करी, राइस के साथ में करी खाई जाती है, करी के साथ में राइस खाया जाता है, ब्रेड के साथ में बटर खाई जाती है, बटर के साथ में ब्रेड खाया जाता है। बट आप अगर ऐसा बोलेंगे फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो यहां पर आप हमेशा आर का ही यूज करेंगे। तो यहां पे ब्रेड एंड बटर एक ही चीज को शो करते हैं, एक ही चीज का इंडिकेशन करते हैं, इसीलिए हम यहां पर इसका यूज करेंगे। भावनाएं जब एक ही चीज को बताती हैं, तो यहां पर इज ही आएगा। अब हम आते हैं फोर्थ नंबर के सेंटेंस पे। शी डाइड ऑफ या फ्रॉम, फ्रॉम कैंसर भी सही हम बोलते हैं, शी डाइड फ्रॉम कैंसर, शी डाइड ऑफ कैंसर, शी डाइड ऑफ कैंसर, बट विच वन इज करेक्ट? तो गाइस, ये वाला करेक्ट होगा, शी डाइड ऑफ कैंसर।
बट वाई मैम ये वाला ऑफ क्यों नहीं आएगा? तो गाइस सुनिए, अगर किसी बीमारी से कोई मर जाता है या मर जाती है, उसका नाम उस दिया है, जैसे यहां पर कैंसर दिया है, तो पर्टिकुलरली डिसीज को इंडिकेट करने के लिए हम वहां पर प्रेपोजिशन ऑफ का ही यूज करते हैं, और जो मैंने प्रेपोजिशन आपको पढ़ा है वहां पर ये चीज भी आपको मैंने बताई हुई है, तो क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं फिफ्थ नंबर के सेंटेंस पर। यहां पर लिखा है द कैट बाय द लायन। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, कैट को शेर के द्वारा मारा गया। अब आप मुझे बताइए कौन सा वर्ड हम यहाँ पर लेंगे, तो यहाँ पर आपको किल्ड का यूज करना होगा, सिंपल पास्ट टेंस है। और बाय का यूज हमने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी सजीव के द्वारा कुछ एक्शन की जाती है सजीव के ऊपर ही, तब हम बाय प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो कैट भी यहाँ पर सजीव है, लिविंग पर्सन है, लिविंग थिंग है, और यहाँ पर लॉयन भी यहाँ पर लिविंग थिंग है, इसलिए यहाँ पर हमने बाय प्रेपोजिशन का यूज किया है। और यहाँ पर हम किल्ड का यूज करें, क्योंकि मारा गया एक जनरल बात हमने बोली है, मारा गया था ऐसा मैंने नहीं बोला है। नेक्स्ट है द चेन इज मेड। क्या आएगा, फ्रॉम, फॉर और ऑफ, तो यहां पर ऑफ आएगा। ऐसा क्यों, तो देखिए किसी चीज के निर्माण के समय केवल वस्तु के आकार में चेंज होता है, पूरा चेंज नहीं होता है, तो वहां पर हम ऑफ का यूज करते हैं। अभी चेन है जो गोल्ड से बनी है, गोल्ड का केवल आकार चेंज होगा, गोल्ड का केवल हमने आकार को चेंज किया, उस आकार से हमने चेन बना ली है, इसलिए यहां पर हम ऑफ का यूज करेंगे। पूरा चेंज नहीं हुआ है, गोल्ड से सिल्वर में इसका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, इसलिए हमने क्या यूज किया है, ऑफ का यूज किया है। तो केवल उसका क्या हमने चेंज किया है, केवल उसका आकार चेंज किया है। अब हम आते हैं अपने सेवेंथ नंबर पर। शी इज सिटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। वो यहां पर 2 घंटे से बैठ रही है। अब आप मुझे बताइए क्या होगा, यहां पर इज आएगा, अब बोलेंगे शी सिटिंग हियर फॉर 2 आवर्स, ऐसा नहीं होगा। यहां पर आप हैज बीन का यूज करेंगे, क्योंकि ये कौन सा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर आपने टेंसेस केवल 2 घंटे में पढ़े तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूं, यहां पर जो क्रिया है वो 2 घंटे से चल रही है, एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक टाइम तक चली, चलने के बाद में फिर रुकी, फिर से शुरू हो गई, इसलिए यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसलिए हम यहां पर हैज बीन का यूज करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। क्लियर। अब हम आते हैं शाहजहां ताजमहल। शाहजहां हैज मेड, हेड मेड या मेड, क्या होगा यहां पर? आप बोलेंगे शाहजहां ने ताजमहल बनाया, ऐसा ही बोलते हैं तो आप यहां पर मेड कर देंगे, लेकिन ये रॉन्ग है। हम हिंदी में ही बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं तो हमें इंग्लिश कैसे आएगी। शाहजहां हैज मेड ताजमहल, मैम हैज मेड का यूज क्यों कर रही हो, तो प्रेजेंट में आता है और शाहजहां तो चले गए, बट गए शाहजहां से मतलब नहीं है, यहां पर मतलब है आपको ताजमहल से, जो आज भी ये मॉन्यूमेंट हम देख सकते हैं आगरा में जाकर के, तो मॉन्यूमेंट है हमारे सामने, हम उसको देख सकते हैं, और जिसने बनाया था वो चला गया, लेकिन उसकी बनाई गई चीज तो आज भी है ना, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं, मैंने यहां पर कुछ लिखा हुआ है, आज से 10 साल के बाद में यहां पे दूसरे स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन ये लिखा हुआ एज इट इज रह जाता है, तो यहां पर आप जो यूज करेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, पास्ट का यूज नहीं करेंगे, चाहे मैं हूं या नहीं रहूं, क्योंकि सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, यहां पर मतलब है आपके एक्शन से, आपकी वर्ब से, तो इसलिए आप यहां पर हैज मेड का यूज करेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। आई हैव बॉट अ लॉट ऑफ फर्नीचर्स। ऑफकोर्स लॉट ऑफ है, बहुत सारे तो फर्नीचर ही लेंगे ना, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर ही होता है, फर्नीचर्स होता ही नहीं है, इट्स ये रॉन्ग है, गलत है, तो इसलिए यहाँ पे केवल फर्नीचर ही लगाएंगे। और ज्यादातर स्टूडेंट्स को अगर सिंगुलर से प्लूरल में फर्नीचर के लिए आता है तो वो फर्नीचर्स कर देते हैं, तो कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही है, उसमें से एक ये फर्नीचर भी है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर गोइंग टू द स्कूल। होगा नहीं होगा, केवल स्कूल होगा, ऐसा क्यों होगा? अगर सब्जेक्ट किसी काम को करने के लिए उस दिशा में जाता है और उसका वही काम है, जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल किस लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो यहां पर द का यूज नहीं करेंगे। बट आपके पेरेंट्स अगर स्कूल जाते हैं, माय पेरेंट्स अगर आप लिखते हैं तो गोइंग टू द स्कूल होगा, क्योंकि वो पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए वो वहां पर जा रहे हैं, तो यहां पर ये ध्यान रखना,
में अगर सब्जेक्ट अपने काम करने के लिए जाता है तो द का यूज नहीं होगा। जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट कभी नहीं बोलना, क्योंकि मैं यहाँ पे मार्केट में शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा काम शॉपिंग करने का है, इसलिए मैं द का यूज नहीं करूंगी। तो द का यूज कहाँ नहीं करना है, जब सब्जेक्ट उससे रिलेट करता हो तो द का यूज, उस ऑब्जेक्ट से रिलेट करता हो तो द का यूज हमें नहीं करना है। तो गाइज ये थे हमारे 10 क्वेश्चन सेंटेंसेस जिसको हमने क्विज के रूप में आपके सामने रखे हैं, और एक्चुअली ये केवल 10 है, लेकिन इसमें जो मैंने आपको रूल्स बताए वो 10 से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अगर आप इनको प्रॉपरली एनालिसिस करते हो, स्टडी करते हो, तो ऑब्वियसली ग्रामर में जो आपको स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी धीरे धीरे निकल जाएंगे। और ऐसे हम एक दो नहीं बल्कि मोर देन 30-40 ऐसे क्वेश्चंस आंसर या बोल सकते हैं क्विज की सीरीज लेकर आने वाले हैं। फॉर मोर इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।